जो है आप लोग को जो है जब कैलकुलेशन आप करोगे मैथ्स के, तो आप खास करके एक चीज का याद रखना, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे। मोस्ट ऑफ द लोग उनको कैलकुलेटर मोबाइल फोन में रहते हैं, उसको यूज करके सॉल्व करने की आदतें होती है। आपको इससे परे रहना है, आपको ये चीजें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, कैलकुलेटर ऑल दैट। आपको खुद से कैलकुलेशन करने पे स्ट्रेस देना है ताकि आपके कैलकुलेशन का स्पीड जो है वो क्या हो, इम्प्रूव हो, और एज मेनी एज क्वेश्चन जो है आपको जो है इसके लिए सॉल्व करने हैं क्लैट के लिए, राइट। तो दिस इज हाउ हम लोग काम करते हैं। देन इसके बाद जब आप, अभी मैंने जैसे आपको बताया सब एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के बाद आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तो सैंपल पेपर को आपको क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है खुद को, मुझे ये पार्ट के क्वेश्चन आए, मुझे ये पार्ट के क्वेश्चन नहीं आए। तो जो नहीं आए राइट, उस पे स्ट्रेस देके जो है वो पार्ट आपको जो है उसमें क्या करना होगा, आपको उसमें डेवलपमेंट लानी होगी, और आपको उसमें जो है जो भी चीजें आपको नहीं आ रही हो डाउट्स वगैरह के थ्रू जो है क्लियर करना होगा। मतलब एनी हाउ यू नीड मास्टरी इन दैट पार्ट, क्योंकि आप कोई भी पार्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लूज नहीं रख सकते। और आपको ऐसे ही सेक्शन पे ध्यान देना है जहां से आपके मार्क्स जा रहे हैं, ताकि आप जो है उस पर एक्सरसाइज दे पाओ और वो सब्जेक्ट को जो है वो बिट को जो है अच्छे से कर पाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट एवरीवन क्लैट। ये क्लैट के सब्जेक्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई इसकी प्रिपरेशन जो है आपको किस तरह से करनी है, राइट। यस भी हम लोग जो है जैसे हमारा समिट जैसे आगे बढ़ेगा, हम आपको डाउट्स वगैरह पूछने के लिए ऑब्वियसली चांस देंगे। आपको अगर जो भी हम डिटेल्स बोल रहे हैं कुछ आपको इस रिकॉर्डिंग चाहिए इस वेबिनार का एंड ऑल दैट, तो विल शेयर आवर हेल्पलाइन नंबर विद यू। हम लोग जो है आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है डीएफसी का वो शेयर करेंगे इसलिए, जिसके थ्रू आपको जो है ये पीपीटी जो भी है बुक्स के नाम हर चीज मिल जाएगा आपको भूषण, ओके। तो जिनके भी ये डाउट्स होंगे ऑब्वियसली फॉर श्योर कवर अप होंगे। इंग्लिश का बुक का नाम मैंने रेनान मार्टिन बताया था, यस। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लैट एवरीवन। तो थैंक यू प्रेम सर, ओवर टू यू सर। यस ओके, थैंक यू विवेक सर। एंड आई थिंक आप लोगों को क्लैट एग्जामिनेशन और उसके डिटेलिंग क्या करना है, कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है, उसका थोड़ा सा आइडिया प्रॉपरली लग चुका होगा विवेक सर के यू नो टॉक से। मूविंग ऑन, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत ही मतलब काफी ज्यादा कैची एग्जाम है वो, और काफी ज्यादा लोग परस्यू करना चाहते हैं उस तरह के कोर्स को, ठीक है। मैं आपको एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, पर उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर नवीन मोर सर को, और वो आप लोगों को पूरी एग्जाम के बारे में डिटेलिंग प्रोसीजर एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन उसके बारे में लेके जाएंगे। थैंक यू प्रेम सर, थैंक यू सर, यस सर। देखिए बेटा, बहुत लोगों का ऐसा एम होता है कि यार मुझे आगे जाके IIM से MBA करना है, यस IIM परस्यू करना है, बा मुझे उसके लिए कैट देनी है। तो सर का ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं अगर अभी से मेरा MBA मेरा फिक्स एम है वो मैं कर सकता हूँ क्या? यस दैट इज द वे जिसको बोलते हैं बेटा BBA MBA का इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसको IP MAT के नाम से आप जानते हो। IP MAT मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दो IIMs मेनली कंडक्ट करते थे बेटा अभी तक, इंदौर और रोहतक। नेक्स्ट ईयर से रांची, जम्मू और बोध गया, ये तीन IIMs ने भी इसको सर्टिफाइड किया है 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स को। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। IPM MAT देख लिए, अब IPM MAT कौन दे सकता है? चलिए IPM MAT कौन दे सकता है देखिए, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। यस IP MAT जो कैंडिडेट्स शू सेटिस्फाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेटा, देखिए क्राइटेरिया सबसे पहला ऐसा है बेटा कि आपकी एज, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो आपकी एज 20 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप 12th के बाद इसको अपियर कर रहे हो, आपकी एज जो है बेटा 20 साल से कम होनी चाहिए। ये लास्ट ईयर का हमारे पास डाटा है बेटा। कैंडिडेट शुड हैव बॉर्न और आफ्टर ऑन और आफ्टर August 1, 2001, जिसका मतलब है कि भाई 2021 में उसकी एज जो रहेगी बेटा वो 20 साल या उससे कम रहेगी 2020-21 में। तो अब देखोगे बेटा इस साल के 2002 क्राइटेरिया हो जाएगा ये। अब जो बच्चे SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 5 साल ये क्राइटेरिया बढ़ जाता है, मतलब 25 साल तक उनको एग्जाम अपियर कर सकते हैं।
कैंडिडेट्स के लिए सबसे मेन जरूरी है कि भैया उसमें 12th HSC जो है बेटा वो अपियर करना चाहिए 2019-20 और 2021, जो भी 2021 का अटेम्प्ट है वो देने के लिए बता रहा हूँ कि भाई 2019-20 वो लोगों ने एग्जाम दी हुई होनी चाहिए या 2021 का उन्होंने एग्जाम अपियर किया हुआ होना चाहिए, जो अभी बाकी है होना आपका। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या रहेगा बेटा, आपको 60% 12th बोर्ड में और 10th बोर्ड में मार्क्स लगेंगे, और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो इन दैट केस ये मार्क्स घट के 55% आ जाते हैं। नोट दैट ये SC ST के लिए है, अगर आप OBC NT में बिलोंग मतलब होते हो उस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए जो मार्क्स है बेटा वो रेगुलर मार्क्स ही है, आपके लिए 60% का क्राइटेरिया रहेगा। यस। अब देखो बेटा ये इसका एग्जाम का जो वे है वो हर साल चेंज होता है, तो उसमें इस साल का जो वे है वो कुछ इस तरीके से, जो लास्ट ईयर का हमारे पास डाटा आया था कि इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी नाम का एक सब्जेक्ट था जो जिसमें आप एप्टीट्यूड बोल सकते हो जिसको, जिसमें DI, लॉजिकल रीजनिंग और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले टॉपिक्स ऐसा था। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, टाइम अलॉटेड 80 मिनट्स एंड मार्क्स फॉर राइट आंसर 4। ये मतलब सेम आपका ओवरऑल देखोगे 64,240 मार्क्स बन रहा है और वर्बल एबिलिटी 1,460 मार्क्स, ऐसे 400 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर बनता है। अगर आप देखोगे बेटा राइट मार्क्स डाइट के लिए 4 मार्क और रॉन्ग के लिए 1 मार्क माइनस होता है, ये क्राइटेरिया है। आप अगर चाहो देखो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अगर आपका फिक्स है भैया कि मुझे IIM करना ही है, इससे मुझे MBA बनना ही है, मुझे बिजनेस में एडमिशन करना ही है बेटा, मास्टर्स करना ही है, तो इस केस में आप कॉम्पिटिशन से बच जाते हो। हैवी कॉम्पिटिशन आपको जो 50 मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन फेस करना होता है उससे आप काफी बच जाते हो, आप अभी से उसी वे में जा रहे हो और आप IIM से पास आउट हो रहे हो। ये कोर्स काफी नया है, काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स इस कोर्स को अपियर करना चाहते हो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो DFC इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर दैट, क्योंकि DFC अकेली इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद पूरे मराठवाड़ा में जो इसकी तैयारी करवा रही है। यस, ओवर टू यू प्रेम सर। यस सर, हेलो। यस सर। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच नवीन सर। एंड यस, दिस इज द एग्जामिनेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट BBA प्लस MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, है ना, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से हम लोग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्लैट एग्जामिनेशन लॉ प्रोफेशनल्स के लिए और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, मैनेजमेंट में करियर करने वालों के लिए IPMAT, ये जो एग्जामिनेशन है, आप सब इनको अच्छे से इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हो या उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से आप अभी से शुरू करोगे तो इसकी तैयारी की जा सकती है, राइट। बट तैयारी करने में ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स में से मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसे चीजें हैं जो बाय ऑब्जर्वेशन कई सारे स्टूडेंट्स 11th और 12th में कुछ मिस्टेक्स करते हैं और जिसको हम बहुत ही ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, जो भी आपका सपना होगा, चाहे वो CA हो, CS हो, IPMAT हो या फिर क्लैट हो, आप सब लोग ये चाहेंगे कि 12th में ही 2 साल भी आप इतनी अच्छे से मेहनत कर लो कि जो भी आपका करियर ड्रीम है या फिर जो भी आपकी ड्रीम एग्जाम है उसमें आपको डिजायर्ड सक्सेस तो 100% मिले। तो वो डिजायर्ड सक्सेस मिलवाने के लिए आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए, चलो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वॉट शुड बी आर गेम प्लान टू अचीव द डिजायर्ड सक्सेस इन आर एग्जाम्स। सो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, 3 entities का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है किसी भी एग्जाम में या किसी भी चीज में लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। और ये कॉम्बिनेशन बनता है सबसे पहला तो स्टूडेंट, बिकॉज एवेंचुअली ऑल दीज एग्जाम्स या ऑल दीज चैलेंजेस इन सबको स्टूडेंट्स को ही फेस करना है, राइट। तो स्टूडेंट पिलर नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दूसरा पिलर होता है उनके पेरेंट्स या गार्डियंस, जिनके साथ भी आप हो, जो आपसे हमें रेगुलरली एसोसिएटेड है, तो उनका भी रोल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस में। और तीसरा होता है द कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपकी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को समझे, उनको टाइमली सॉल्व करे और आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे एट रेगुलर इंटरवल, सपोर्ट और मोटिवेशन प्रोवाइड करे। ट्रस्ट मी एवरीवन, अगर इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर परफेक्ट सेट हो जाता है तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, राइट। सबसे पहले इन तीनों एंटिटीज में से हम स्टूडेंट वाली साइड समझने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग एज स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्या जिम्मेदारियां रहेगी, क्योंकि 10th की स्टडीज से
हटकर 11th 12th की प्रिपरेशन होती है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा. तो व्हाट एग्जैक्टली आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर अ सक्सेसफुल प्रिपरेशन, है ना, जो एक स्टूडेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है, वो क्या है? सबसे पहला, डेली स्केड्यूल मेंटेन करना, राइट? आपके पूरे दिनचर्या में आपके लेक्चर्स होंगे, आपको कुछ होमवर्क असाइन किया गया होगा, आपका कुछ पर्सनल टाइम होगा, राइट? तो इस तरह का एक कंप्लीट आपका एक रिगरस शेड्यूल होना चाहिए 11th और 12th में. यहाँ पे हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. स्कूल में कई बार चल जाता है कि हम कोई लेक्चर अटेंड ना करें, कोई यू नो कोई क्लास ना करें, बट 11th 12th में कंसिस्टेंसी थ्रू अ रेगुलर शेड्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जो कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को सेपरेट करता है बाकी स्लॉट से, राइट? तो डेली शेड्यूल मेंटेन करना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना, अपने फिटनेस को प्रायोरिटी देना, अपने एकेडमिक्स को प्रायोरिटी देना, और ओवरऑल थोड़ा सा पर्सनल टाइम अपने खुद के लिए निकालना. ये अगर आप रिलीजियसली कर सको तो देन इट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. सेकेंड इज लेक्चर्स अटेंड करते समय क्लास एटीट्यूड. देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग क्लास में बैठे हैं और हमारा एकदम रैप्ड अटेंशन है, टीचर्स जो बता रहे हैं हम लोग उसके रनिंग नोट्स बना रहे हैं, टीचर्स से क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ दिस लाइव इंटरकोर्स या फिर लाइव यू नो डिस्कशन जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका सबसे बेहतरीन यू नो फायदा ये है कि आप लाइव यू नो टीचर्स से इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट? तो क्लासरूम में आपका एटीट्यूड कैसा है, जितना आपको क्लास में एक बार समझ में आ गया ना, फिर आपको घर पे कम एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, राइट? तो क्लास में आपका एटीट्यूड कैसा है, है ना? थर्ड थिंग इज कि भाई आपको क्लास के बाद कुछ ना कुछ डाउट्स आएगा, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, कुछ होमवर्क करोगे, कुछ ना कुछ आपको डाउट्स आएंगे, राइट? तो इन डाउट्स को सही वक्त पे सही टाइम पे आप क्लियर करवा लो टीचर्स से कम्युनिकेट करके, राइट? जितना आप डाउट्स को इम्पोर्टेंस दोगे उतना ही आपका एग्जाम में सक्सेस इंश्योर हो जाएगा, राइट? क्योंकि यही डाउट्स है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे. तो डाउट क्लियरेंस प्लस आप 100%, ये सारी चीजें आप लोगों ने मार्क करके रखना चाहिए अभी से, राइट? आप किसी भी एग्जाम के लिए चले जाओ, ये सारे पैरामीटर्स ट्रू रहेंगे, चाहे आप आईपी मैट की तैयारी करो, क्लैट की तैयारी करो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो. नेक्स्ट इज होमवर्क. जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है उतना आपने अगर रेगुलर लेवल पे मेंटेन कर दिया ना, तो बस आप लोगों की सेल्फ स्टडी इंश्योर्ड हो जाएगी उस होमवर्क से. होमवर्क मतलब फॉर एग्जांपल डीएफसी के केस में होमवर्क ही इस तरह से दिया जाता है कि उस होमवर्क के थ्रू स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी हो जाए और जो भी उसको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी प्रैक्टिस भी उसकी होमवर्क के थ्रू हो जाए. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है होमवर्क का, राइट? और इसके बाद में आता है रिविजन. सी स्कूलिंग का हमारा क्वांटम ऑफ सिलेबस और 11th 12th का क्वांटम ऑफ सिलेबस, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. 11th और 12th में जो सिलेबस है, जो अंडरस्टैंडिंग है या जो कॉन्सेप्ट्स है, वो काफी ज्यादा है. और इन सारे चीजों को आपको याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी नोट्स बनाना या उसका रिविजन करना बार बार एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट? और ये करने के लिए ना एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है रिविजन इंश्योर करने के लिए कि आपकी रेगुलरली टेस्ट कंडक्ट करवाई जाए. तो टेस्ट जब भी आपकी होती है उसके बहाने आपका पुराना पूरा रिवीजन भी हो जाएगा. टेस्ट में आप अपने नॉलेज को, अपने कैपेबिलिटीज को टेस्ट भी कर पाओगे, स्ट्रेंथ वीकनेस को. और टेस्ट के बाद में रेक्टिफिकेशन जो होना चाहिए या उसका एनालिसिस करके इम्प्रोवाइजेशन जो होना चाहिए, वो एक स्टूडेंट के लिए मतलब यू नो इट इज लाइक यू नो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग. टेस्ट में एक बार को कम नंबर आ जाए, कम मार्क्स आ जाए, चल जाएगा, पर एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो ये जो कुछ की आपको स्टूडेंट के रोल्स है ना, ये प्लीज आप लोग सब इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका शेड्यूल मेंटेन करना, क्लास में जितना आप इंटरैक्टिव रह सको उतना इंटरैक्टिव रहना, डाउट्स पूछना, बिल्कुल शर्माने की जरूरत ही नहीं है डाउट्स पूछने में, टीचर्स सब अपनी है, सब वेलकमिंग है. होमवर्क टाइमली इंश्योर करना और रिविजन एंड देन टेस्ट एनालिसिस. तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टूडेंट्स के साथ साथ ये जो हम लोग ऑनलाइन के पूरे बंधन में अभी बन चुके हैं कोविड के वजह से, तो इस वजह से पेरेंट्स का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अब स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में आ जाता है. एंड दिस इज मोर देन एवर बिफोर. पहले से ज्यादा अब पेरेंट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, एटलीस्ट जब तक ऑनलाइन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े हुए हैं. बिकॉज पेरेंट्स आर द वंस जो स्टूडेंट्स के डेली शेड्यूल को मॉनिटर कर सकते हैं. क्लासरूम मतलब लेक्चर्स ऑनलाइन अगर अटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स,
तो वो कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, रनिंग नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ये भी इंश्योर कर सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल स्टूडेंट का जो बिहेवियर है एट होम कैसा है वो इंश्योर करना पेरेंट्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन चुकी है। ओके इसके अलावा सी ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर में एक सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट, ठीक है, तो ये एक यूनिक सा चार्ट है, मतलब यू नो मतलब आप लोगों ने कभी इस तरह का अकाउंटिंग चार्ट पढ़ाई के केस में तो सुना नहीं होगा, राइट। जहां पर आप अकाउंटिंग करो, जैसे आप हिसाब किताब लगाते हो अपने पैसों का, उसी तरह की कुछ अकाउंटिंग आप आपके अकेडमिक्स की भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आई एम श्योर आप लोग क्यूरियस होंगे जानने के लिए, राइट। तो उसी प्रोसेस का नाम है सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट। अगर आप मतलब आप क्यूरियस हो जानने के लिए, आपको सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट का कोई एक रफ सैंपल चाहिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर सकते हो, वो मैं आपको डिटेल्स थोड़ी देर में दे दूंगा। बट ये कॉन्सेप्ट है क्या वो समझना इस वक्त के लिए बहुत जरूरी है। जितनी भी हमारी पढ़ाई हो रही है उसका लेखा जोखा अपने पास होना चाहिए। कितने टॉपिक्स हमें पढ़ा दिए गए, कितने टॉपिक्स हमने पढ़े, कितने टॉपिक्स पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने टॉपिक्स पे हमने टेस्ट दी, कितने टॉपिक्स की हमने रिविजन की, कितने टॉपिक्स के हमने डाउट्स पूछे, इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग अगर हम एक रिकॉर्ड कीपिंग जिसे कहते हैं अगर उसको मेंटेन कर सके तो हमें सही ट्रैक पे रहना यू नो बहुत आसान हो जाएगा। एंड इट वॉन्ट बी यू नो अ बिग टास्क फॉर अस कि जो भी अपने वीकनेसेस है उनको क्लियर करना, वो अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं रहेगा। तो सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जिसको पेरेंट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बहुत ज्यादा समय लगेगा क्या इस इन सब चीजों को करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हफ्ते में से एक घंटा, डेढ़ घंटा या दो घंटा मैक्सिमम है ना अपने चाइल्ड के साथ में स्पेंड करते हो, हफ्ते में एक बार है ना, एक से डेढ़ घंटा दो घंटा भी आपने स्पेंड कर लिया और हफ्ते भर में जो जो चीजें उन्होंने की है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग अगर प्रॉपरली कर ली, देन यू आर थ्रू, राइट। इतना ही करना है और टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन में रहना है, दैट्स इट, राइट। होमवर्क्स, घर पे जो भी होमवर्क दिया जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स जेन्युइनली ईमानदारी से घर पे प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इंश्योर करना अगर पेरेंट्स कर सके तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। उनके रिविजन शेड्यूल्स कैसे चल रहे हैं, नो डाउट अगर आपने सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट को उसमें रिकॉर्ड कीपिंग कर ली तो आपके रिविजन का भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहीं पे आपका दिख जाएगा कि रिविजन कौन से टॉपिक का बाकी है और कौन से टॉपिक का करना है, राइट। और किसी भी टेस्ट के बाद में स्टूडेंट्स टेस्ट के मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस टेस्ट की एनालिसिस को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये इंश्योर करवाना, राइट। क्योंकि टेस्ट की जो एनालिसिस है वहीं पर एग्जैक्ट समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन है, कौन सी चीजें वर्क हो रही है आपके लिए और कौन सी चीजें वर्क नहीं हो रही है, राइट। तो ये है कुछ पेरेंट्स का रोल, राइट। तो हमने स्टूडेंट्स का रोल देख लिया, हमने पेरेंट्स का रोल देख लिया, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है यू नो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जिसे हम ज्वाइन करते हैं। एज फार एज डीएफसी इज कंसर्न्ड यहाँ पर कुछ जो फीचर्स हैं ये फीचर्स आपकी पढ़ाई की जो प्रोसेस है उसको बहुत ही स्ट्रीमलाइन कर देंगे, राइट। मेहनत तो यहाँ पर भी करनी है, ऐसा नहीं कि इसके वजह से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर जो आपकी पूरी प्रोसेस आपको एक चीजें बहुत ही आसानी से आप फॉलो कर पाओगे। और सबसे पहला फीचर है वेल प्लान्ड कोर्स। आप किसी भी कोर्स की बात करो, चाहे सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, क्लैट या आईपीमैट, इन सारे कोर्सेस की जो भी प्लानिंग है, जो भी इनके लिए स्टडी मटेरियल है, इनके रिलेटेड फैकल्टीज है, इनके रिलेटेड सब्जेक्ट क्या पढ़ाना है क्या नहीं, उसके लिए एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल है, एक्सपर्ट मतलब स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। सो थ्रू आउट मतलब किसी भी आप कोर्स को एनरोल करो तो एक बहुत ही प्रॉपरली प्लान्ड वेल डिजाइंड कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट इज इनका स्टडी मटेरियल। सिमिलरली स्टडी मटेरियल भी सारा का सारा एकदम हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल जो कि एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, तो स्टूडेंट्स को अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने यही फॉलो कर लिया थ्रू आउट दीज टू ईयर्स देन इट इज मोर देन सफिशियंट, कोई एक्स्ट्रा उन्होंने उनको बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब के साथ साथ एक यूनिक टेस्ट साइकिल। यूनिक टेस्ट साइकिल का मतलब क्या, हर मंडे 11th 12th में आपकी हर मंडे आपको टेस्ट करवाया जाएगा, आपकी टेस्टिंग होगी हर मंडे के दिन कि आप प्रॉपर कितना होमवर्क कर रहे हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है, ये मंडे टू मंडे मतलब वीकली आपको उसकी एनालिसिस हो जाएगी, राइट। तो पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि कैसा चल रहा है परफॉर्मेंस, टीचर्स को भी समझ में आएगा, स्टूडेंट्स को भी समझ में आएगा। और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है गवर्निंग में।
जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डीएफसी में एनरोल होते हैं उनको सबको एक यूनिक मतलब यू नो मेंटोर असाइन किया जाता है, गवर्नर असाइन किया जाता है, जो उनके एकेडमिक या नॉन एकेडमिक दोनों प्रॉब्लम्स के साथ यू नो उन्हें हेल्प करेगा, उन्हें सपोर्ट करेगा और उन्हें मोटिवेट करेगा, राइट? तो गवर्निंग सिस्टम, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल डाउट सॉल्विंग. सी, ये एक फीचर है जिस जो मतलब ये आप समझ सकते हो डीएफसी की स्पेशलिटी रही है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं उनको बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है? देयर इज दिस हेल्पलाइन सिस्टम जहां पर आपको सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है कि मतलब स्टूडेंट को इस चैप्टर में या इस इन क्वेश्चंस में डाउट्स हैं, दैट्स इट. डीएफसी से खुद आपको कॉल आएगा या आपको रिस्पॉन्स आएगा एंड अकॉर्डिंगली आपके डाउट सेशंस अरेंज करवाए जाएंगे बिकॉज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन हियर फॉर डाउट्स, राइट? तो कितना भी डाउट आपका कैसा हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डाउट, आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा. तो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप यही चीजें एक्सपेक्ट करोगे, राइट? तो ये सारी चीजें यू नो डीएफसी इज प्रॉमिसिंग यू टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स, राइट? ओके, तो दीज आर द दिस इज द गेम प्लान दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट. फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स रोल, स्टूडेंट का अपना खुद का रोल इन द प्रिपरेशन. सेकेंड थिंग इज पेरेंट्स का एक थोड़ा सा प्रोएक्टिव रोल, जो पहले से थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए. एंड थर्ड इज टीचिंग टीम या जो भी आप इंस्टीट्यूट को साइन अप करो वो रोल. डीएफसी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री कि जहां पर उन्होंने कमिटेड मतलब रह के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए क्यों ना बिलोंग करो उनको सेटिस्फाई किया है, उनको यू नो सक्सेसफुल बनाया है, राइट? तो दिस इज वॉट इज द गेम प्लान विद स्टूडेंट्स टीचर्स शुड फॉलो, राइट? नाउ बिफोर वी मूव अहेड, अच्छा एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है कि यार अगर यू नो वन मिनट, ओके प्लीज रीनेम योरसेल्फ, है ना? अगर आप लोग मीटिंग ज्वाइन के मतलब आपने की है तो पार्टिसिपेंट सेक्शन में आप लोग अगर जाएंगे, पार्टिसिपेंट सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे आपको सबसे पहले आपके डिवाइस या आपका नाम दिखेगा, और अगर वो आपका पूरा नाम नहीं है तो प्लीज उस पर लॉन्ग प्रेस करके आपको रीनेम करने का ऑप्शन दिखाई देगा, राइट? और आप अगर रीनेम कर लोगे तो यू विल बी एलिजिबल टू आस्क यू नो वट एवर क्वेश्चन यू हैव इन द क्यू एन ए सेशन. अच्छा बिफोर आई मूव ऑन टू द क्यू एन ए सेशन, आई एम श्योर आपके मन में कुछ कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी रहते हैं. तो इन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं ये और उसके आंसर्स क्या होने चाहिए, उसके लिए मैं नवीन सर को बुलाना चाहूंगा. तो नवीन सर आप कुछ एफएक्स स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं. यस सर, थैंक यू सर. हेलो स्टूडेंट्स, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से बेटा जो हर बार पूछे जाते हैं और वही वो कुछ बातें जो बहुत से इफ एंड बट्स आते हैं. मुझे कुछ क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप मोर में देखो चैट ऑप्शन है वहां जाके आप मोर नवीन पे, नवीन भी मोर नाम से मेरी आईडी है उस पर आप मैसेज कर सकते हो जो मुझे डायरेक्टली मिलेंगे. यस, सबसे पहले जनरल एक क्वेश्चन आता है सर सीए करना है पर सीए में टाइम कितना लगेगा. सीए तो करना है सर हमको अपीय पर सीए में टाइम कितना लगेगा. तो भैया देखो अगर आप ट्वेल्थ के बाद फाउंडेशन का पहला अटेम्प्ट देते हो और आप थ्रू आउट सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो इन दैट केस 5 साल का टाइम इसको लगता है अगर आप थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करते हो तो. यस, डिपेंड्स अपॉन योर अटेम्प्ट्स. अगर आप एक बार जैसे आपको आनंद ने बताया था कि आपको इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है. यस छल्लानी जी, मैं आपके क्वेश्चन पे बिल्कुल आऊंगा बेटा. भूषण, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन, मैं बताऊंगा बेटा इस बुक बताऊंगा. यस, देख लीजिए हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द सीए कोर्स. तो बेटा इसको 5 साल लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर अटेम्प. अगर आप एक आधी बार आपका बाय चांस कोई सब्जेक्ट रह जाता है कि उसमें एटीकेटी अलाउड नहीं है तो आपको रिपीट वो अटेम्प्ट देना पड़ता है. तो ऐसे 6 महीने का ड्यूरेशन बढ़ जाता है जितने अटेम्प्ट लगते हैं उसके हिसाब से. वेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. देखिए बेटा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th कॉमर्स टाइम पास में निकाल देते हैं और 12th के बाद 12th में मेन बोर्ड की पढ़ाई और बोर्ड की पढ़ाई के बाद में बच्चे 12th के बाद फाउंडेशन अटेम्प्ट करते हैं. बट आप मुझे बोलिए जिस बच्चे ने 2.5 साल मेहनत की है, 11th 12th फाउंडेशन के महीने और एक बच्चे ने 6 महीने मेहनत की है तो ज्यादा इफेक्टिव किसका रिजल्ट आ सकता है? बट ऑब्वियस बेटा इसने 2 साल 2.5 साल पूरी मेहनत की है. अगर एम बड़ा रखा ही है हमने, एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेड स्मॉल एम इज अ क्राइम. अगर आपने एम बड़ा रखा ही है तो शुरुआत आज से क्यों नहीं, ठीक है? कहते हैं ना कबीर जी का दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. तो
तो वैसा ही काम है बेटा, आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए 11th प्रिपरेशन। हाँ आई नो टाइम बचेगा पर पढ़ाई की आदत भी लगेगी। वेयर टू डू CS रजिस्ट्रेशन, जैसे आनंद सर ने आपको बताया था कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, तो ये दो साइट से बेटा जिसपे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन में एक बात याद रखनी है बेटा आपने, आपका रजिस्ट्रेशन जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कर लो। अगर आप दिसंबर के पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हो इन दैट केस आप मे अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होते हो, मे अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन और अटेम्प्ट के बीच में कुछ टाइम गैप होता है बेटा, उसको फुलफिल करने के लिए आपको दिसंबर के पहले रजिस्ट्रेशन करना काफी बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड, बेटा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपने क्लास में अच्छे से ध्यान दिया है, सारी चीजें सारे होमवर्क रेगुलर कर रहे हो, तो एक बहुत ही प्यारी सी बात है कि बाबा आप रेगुलर वर्क अच्छे से कर रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे की सेल्फ स्टडी रेगुलर कर रहे हो, तो इससे आप आराम से फाउंडेशन IPCC दोनों क्रैक हो सकते हो। 5 से 6 घंटे की स्टडी सफिशियंट है, बट अगर आप रेगुलर वे में नहीं पढ़ रहे हो तो एंडिंग में लोड बढ़ेगा बेटा आपका, और लोड को मैनेज करना तकलीफ वाला होता है, हर कोई मैनेज कर पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। 10th में सिलेबस काफी कम होता है, बट 12th प्लस फाउंडेशन का सिलेबस काफी हाई है, और अगर हमारे एम ही हाई रखे हुए हमने तो उसके लिए रेगुलर पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो 4 to 5 hours आर सफिशियंट। वॉट आर डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन, अब देखिए बेटा सबसे पहला है कि आप सभी लोग अभी काफी दिनों से 1.5 साल से नियर अबाउट कोरोना की वजह से मोबाइल से अटैच्ड हो। आई नो मोस्ट ऑफ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, व्हाट्सएप के अलावा भी फेसबुक इंस्टा स्नैपचैट एंड नंबर ऑफ थिंग्स है, ठीक है, बट आपको सोशल मीडिया से डिवोर्स लेना है बेटा। ये सबसे मेन काम करना है, सोशल मीडिया अवॉइड करना है, क्योंकि सोशल मीडिया जितनी देर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहोगे उतना आपका खुद का दिमाग कम चलेगा, जितना क्रिएटिव माइंड होता है हमारा वो सारा उधर हम टाइम पास में लगा देते हैं, ठीक है, तो हमको सबसे पहले सोशल मीडिया अवॉइड करना पड़ेगा। सेकेंड चीज है, यस जोगदंड जी बिल्कुल बेटा आपके सारे डाउट सवाल कवर होंगे, कोई इशू नहीं। यस चलिए, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स इन प्रिपरेशन, सबसे पहला सवाल तो आपका था बेटा सोशल मीडिया अवॉइड करना है। सेकेंड है क्लास मिस नहीं करना है, अगर आप क्लास मिस करते हो ना तो आपका बर्डन समअप होके आपके ऊपर आता है, तो अगर बाय चांस कुछ क्लास मिस भी कर रहे हो, जैसे DFC का रूल है कि DFC उस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दे देती है, तो जिससे अगर आपका क्लास मिस हो भी रहा है बट आप उस रिकॉर्डिंग को देख के तुरंत में, समझो लेट से आज मेरे को छुट्टी करनी पड़ी पर मैं तुरंत में रिकॉर्डिंग देख के उसको कवर कर लूं ताकि बैच के लेवल में आ जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड चीज है टेस्ट मिस मत करना, अगर आप टेस्ट मिस करते हो तो आपका टॉपिक पक्का हुआ या नहीं ये गारंटी आपकी नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ा काम है, तो टेस्ट मिस मत करना। अगर आप टेस्ट मिस करते हो तो वो भी आपका मतलब एक बहुत मेजर लॉस हो जाएगा, तो आप टेस्ट मिस मत करना, ठीक है। चलिए इसी के साथ अभी कुछ क्वेश्चन है प्रेम सर, ये जो रैंडमली आस्क क्वेश्चन है, हेलो सर जी, सर जी मैं ऑडिबल टू यू, यस सर ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास में आए हैं पर इसमें ना एक दो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, एक CS के बारे में उनका था कि उनको उसकी इन्फॉर्मेशन रिपीट चाहिए, okay. और एक था कि बाबा उनको रिगार्डिंग MBA के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, okay. तो कुछ चीजों की अपन रिकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ना, राइट तो इन केस कोई स्टूडेंट्स थोड़ा सा मीटिंग में लेट ज्वाइन करे हैं, मतलब अगर उन्होंने किया है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आप लोगों के साथ में क्या करता हूँ, सबसे पहले एक DFC का हेल्पलाइन सिस्टम है और उसका हेल्पलाइन नंबर मैं शेयर करता हूँ, जस्ट इन केस अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ हो या उसको स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट चाहिए या उसको करियर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस उसे पूछने हैं या कोई मतलब डिस्कशन करना है कि भाई एग्जैक्टली हम क्या चीज़ पे फोकस करें, CA पे करें, CS पे करें, एग्जैक्टली क्या चीज़ करें, तो ये एक सिस्टम है। तो यहाँ पर तो हम लाइव Q&A तो लेंगे ही, लाइव आप लोगों के डाउट्स तो लेंगे ही, बट उसके अलावा आप ये नंबर भी एक बार नोट कर लो तो जिसपे आपके जो भी क्वेरीज है वो बाद में भेज सकते हो अगर आपके यहाँ पर अगर क्वेरीज क्लियर नहीं होते तो, नंबर वन, राइट। नंबर टू, अब आई थिंक नवीन सर ने कहा कि MBA रिलेटेड भी कई स्टूडेंट्स के डाउट्स है, तो सर मैं वन बाय वन डाउट ले लूं क्या, ठीक है? हाँ सर ले लीजिए, यस इट विल बी मोर इजीियर ना, यस यस। चलिए बेटा सबसे पहले जो मेरे पास सवाल आया था श्रेया जोशी का, सर इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर MBA देन वी डू हैव टू टेक मैथ। देखो बेटा, देखो श्रेया दीदी, आपको जो MBA का एग्जाम क्रैक, अगर IPM मैट के लिए आपको तैयारी करनी है बेटा, उसमें आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट है,
और अगर आप 11 12th में मैथ्स लेते हो तो इन दैट केस आप मैथ्स के टच में रहोगे, कंपलसरी नहीं है। आप 11 12th कॉमर्स करते हुए भी अगर आप मैथ्स की जगह पे एसपी ऑप्ट करते हो, इन दैट केस ऑल्सो आप दे सकते हो एग्जाम, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपको टच में रहना है मैथ्स के और मैथ्स के रिलेटेड ही आप एग्जाम अपियर कर रहे हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको मैथ्स लेना चाहिए 11 12th का। यस श्रेया, आपको देखो आपका सेटिस्फाइड आंसर मिल गया बेटा, आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर। यस यस, काइंडली रिप्लाई। सेकेंड, मेरे को भूषण छल्लानी जी का मैसेज था, कैन वी अपियर बोथ टुगेदर सी ए एंड सी एस। देखिए भूषण जी, मोस्टली जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि सी ए के साथ में बीकॉम में एग्जाम ये ऐड करते हैं बेटा, बीकॉम में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप बीकॉम और सी ए करना चाहते हो, देखो एट टाइम आप दो कोर्स कर सकते हो, आइदर आप सी ए सी एस कर सकते हो, आइदर आप सी ए और बीकॉम कर सकते हो। तो आपको अगर सी ए सी एस करना है, इन दैट केस आपको ग्रेजुएशन की डिग्री जो है, जो बीकॉम की डिग्री है, वो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। बट अगर आप सी ए बन जाते हो, तो सी ए जैसे आप बन जाते हो, उस केस में आपको एम कॉम की डिग्री डायरेक्टली मिल जाती है, तो आपको नीड नहीं रहेगी उसकी, आप सी ए सी ए डायरेक्टली अपीयर कर सकते हो। यस सर, इट इज डू गुड टू टेक कॉमर्स फ्रॉम आई आई एम। बेटा बिल्कुल बेटा, आप कॉमर्स लेके भी कर सकते हो, आप प्रॉपर अपना जो टाइम रहेगा, कलश जी, कलश मुत्था जी का क्वेश्चन है, अगर आप कॉमर्स भी लेते हो बेटा, आपका प्रॉपर टाइम आप आई आई एम के लिए डाल सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो है उसकी पढ़ाई के लिए। अगर आपका फिक्स है हमको करना ही है एम बी ए, तो वाई नॉट, आप बिल्कुल अभी से पढ़ाई में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी हेल्प लगेगी रेडी रहेगा उस चीज के लिए। यस, अदिशा जैन का क्वेश्चन है, सर माई क्वेश्चन इज इफ आई पास इंटरमीडिएट लेवल एंड आफ्टर दैट आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू, सो दैट एयर एनी बेनिफिट ऑफ गिविंग सी ए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट लेवल। यस बेटा, अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स, अगर आप फाउंडेशन, अगर आप इंटरमीडिएट अपियर कर लेते हो, अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स, ये एक ATC बोल के कोर्स है, ये काफी मतलब ये काफी इफेक्टिव कोर्स है, और साथ में अगर आपने अगर सी ए इंटरमीडिएट लेवल दे दिया है, तो काफी चीजों के बारे में आपको थियोरेटिकल नॉलेज बड़े लेवल पे आ जाता है, और एक दो ऐसे कोर्सेस है जिसको करते हुए आप आगे प्रैक्टिस भी खुद की कर सकते हो, लाइक GDCA वगैरह, GDCA वगैरह। अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, काइंडली कॉन्टेक्ट ऑन हेल्प लाइन नंबर, जिससे मैं आपको बता पाऊंगा बेटा। यस, हम सी ए हम बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्रांजल दीदी, मैंने अभी बताया सी ए और बीकॉम साथ में आप करते हो, करते ही। चलिए, कैन यू गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट CFA। देखिए बेटा, CFA जो है, होता है बेटा, ये जो आपका कोर्स है CFA, ये CFA कोर्स जो है वो इंडिया लेवल का नहीं है, ये आपका USA लेवल का, जो सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बोल सकते हम लोग, पर उसका उसका ये स्टेप्स अलग फॉलो करनी है बहुत से लोग। यस सर। चलिए, CFA के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन का था बेटा, कहा था। यस बेटा, जिसको अगर कुछ ओके सर ठीक है बेटा। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट है, मैं बाकी राउट्स भी लेता हूँ आपके, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स का एक स्टूडेंट है हमारे बेटा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जो हमारे इंस्टीट्यूट में लास्ट दो साल से पढ़ रहा है, काफी इफेक्टिव उसका रिजल्ट रहा है। तो आफ्टर दैट आपके बचे हुए डाउट्स हम लेते हैं, और डोंट वरी, अगर आपको कुछ बोलना भी है तो आप अनम्यूट होकर बात कर सकते हो, बट डोंट वरी अबाउट दैट। यस यस सर, ओवर टू यू प्रेम सर, हम रिमेनिंग डाउट्स लेता हूँ। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच नवीन सर। आप लोगों के, आई एम श्योर आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेरीज है, अपने पास आनंद सर भी है जो कि आपके CA CS रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज को आंसर करें। सो बट बिफोर दैट, कुछ स्टूडेंट टू स्टूडेंट एक कनेक्शन भी हो जाए, राइट? कि क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेगा कि उसने कैसे तैयारी की, उसको क्या चैलेंजेस है और उसने कैसे वो ओवरकम किया, तो आप लोग शायद बेहतर तरीके से उससे रिलेट कर पाओगे। तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन आयुष लभाले, राइट, हु हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ DSC फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड आई वुड लाइक टू शेयर हिज इनसाइट्स ऑन द जर्नी ऑफ हिज प्रिपरेशन इन कॉमर्स। तो आयुष। यस सर। Okay. Good evening, all of you. My name is Ayush Prakash Lavale. I'm studying in 12th class. So I'm being in DFC from my 8th class. So it's been a long time with DFC. And studying with DFC, there are lots of improvement in terms of academic growth, concept understanding, grasping power or social skills. And for me, agar main meri baat karu, then as like you, after completing my 10th, mere paas bhi bahut sare options the ki मैं साइंस ले सकता हूँ, कॉमर्स ले सकता हूँ, आर्ट्स ले सकता हूँ,
एंड हम सभी जानते हैं डीएफसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है या कमांड रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस. ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं फॉर द एग्जाम्स लाइक JEE, NEET, CET. बट पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे लगता था कि मैंने कॉमर्स में जाना चाहिए एंड मुझे वो सब्जेक्ट्स भी ज्यादा अच्छे लगते थे. सो समवेयर आई डिसाइडेड कि मैं कॉमर्स का स्ट्रीम चूज करूंगा. एंड लकीली हमारी बैच लकी थी कि डीएफसी ने भी उनका फर्स्ट कॉमर्स का जो बैच था वो हमारे टाइम से शुरू किया. एंड स्टार्टिंग में हमें भी बहुत सारे डाउट्स थे कि हमारा फर्स्ट टाइम है, डीएफसी का भी फर्स्ट टाइम है कॉमर्स के फील्ड में, सो क्या होगा क्या नहीं. देन मैंने तब डेमो क्लासेस भी किए एंड आफ्टर गिविंग सच डेमो क्लासेस जब मुझे अच्छा लगा, मुझे सच में ऐसे लगा कि नहीं डीएफसी के साथ पिछले 3 साल से तो था, आगे भी रह सकता हूँ. बिकॉज जो यहाँ की फैकल्टी थी, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ या टीचिंग स्टाफ, ये दोनों ही पहचान के थे और कहीं ना कहीं अच्छा कनेक्शन था ही. देन आई डिसाइडेड कि मैं डीएफसी में कॉमर्स का बैच चूज करूंगा. देन जैसे मैं कॉमर्स के बैच में आया तो यहाँ पे मतलब जो स्पेशली अगर मैं बात करूँ टीचिंग स्टाफ की, तो यहाँ पे जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ही इंटरेक्टिव मैनर में लिए जाते हैं. बिकॉज दूसरे क्लासेस का तो पता नहीं, बट हमारी क्लास में जितने भी टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमेशा बातें करेंगे. कोई भी नया टॉपिक है तो उस पर एक प्रॉपर डिस्कशन लिया जाएगा. समझो कोई पेपर हुआ तो उस पर एक अच्छे से डिस्कशन होगा एंड सभी बोल चाल के वो क्लास को इंटरेक्टिव बनाएंगे. तो वो एक बहुत अच्छा पार्ट हो गया था कि ऐसे फील नहीं आ रही थी कि ऑनलाइन क्लास हो रही है. ऐसे लग रहा था सब साथ में बैठे हैं, सब एक दूसरे को बात बात में पहचानने लगे एंड ऐसे लगा कि साथ में बैठे पढ़ रहे हैं. तो वो एक अच्छी बात हो गई थी कि एकदम ऐसे इंटरेक्टिव वे में हम पढ़ रहे थे. देन वेल अगर हम बात करें तो हमारे क्लास में सभी टाइप के बच्चे, जो बच्चे CA CS की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बस बोर्ड्स के लिए आए हैं, किसी के ड्रीम्स तो UPSC है एंड CLAT, देन IPMAT. सो सभी टाइप के स्टूडेंट्स हमारे क्लास में थे एंड जब हम ऐसे बंच ऑफ ऐसे अलग अलग ऐसे बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ते हैं ना, तो सभी का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है, सभी के फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमें मिलता है. तो वो एक अच्छी बात हो गई थी. सभी के फील्ड में जो है कि क्या है क्या नहीं वो सब पता चल रहा था, तो वो एक अच्छी बात हो गई थी. देन वेल आपको ये डाउट भी होगा कि अगर इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ रहे तो बोर्ड एग्जाम्स का क्या, तो बोर्ड एग्जाम्स की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन ली जा रही है. एज पर हमारी बैच में तो हर मंडे, एज ऑफ नाउ टूडे ऑल्सो मंडे टेस्ट लिए जाते हैं जो कि बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड होते हैं. सो कोई भी चैप्टर है, समझो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, उस पर आज टेस्ट ली जाएगी, उसका विद इन 2 to 3 days हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे. देन क्लास में उस पर एक प्रॉपर रिव्यू होगा कि किसने क्या आंसर लिखा, सही था गलत था, कहाँ गलत आया, जिससे एक ओवरव्यू आ जाता है कि बोर्ड्स को कैसे हैंडल किया जाए या फिर उनमें कैसे मार्क्स लाए जाए. तो ये एक अच्छी बात हो गई थी. देन हमारा अगर मतलब आप अभी भी अगर आपको डाउट है कि डीएफसी सेकेंड ईयर है, इनकी सेकेंड बैच है, बट फॉर नाउ मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है कॉमर्स की बैच में डीएफसी के एंड मैं पहले भी था, तो मुझे पता है कि जितनी ये पढ़ाई साइंस के बच्चों से कराते सेम लेवल की हमारे साथ भी कर रहे हैं. बिकॉज हमें भी सेम मतलब सेम लेवल के पेपर्स देने, एग्जाम्स देने, तो सेम लेवल की प्रिपरेशन हमसे भी करवाई गई है एंड करवाई जा रही है. देन अगर हम सिलेबस की बात करें तो नियर बाय डिसम्बर में, मिड ऑफ डिसम्बर तक हमारा पूरा 11th का जितना भी सिलेबस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था, जिससे कि एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये हो गया कि 11th का तो बहुत अच्छे से कवर हुआ ही हुआ, बट जो अब हमारे 12th के बोर्ड्स आने वाले, तो हमें दिसंबर से लेके तो अभी बोर्ड्स तक पूरा टाइम मिल रहा है. तो वो एक बहुत लंबा टाइम है कि हम 2-3 बार प्रॉपरली रिविजन कर सकते हैं या फिर जो अदर एग्जाम्स है एज लाइक CA CS, इनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं. देन अगर ये जो एग्जामिनेशन है इनकी बात करें, तो समझो कोई भी अगर चैप्टर होता है तो वो चैप्टर्स के CA CS इनकी जो एग्जामिनेशन के जो बच्चे है
उनके लिए एमसीक्यूज ले लिए जाएंगे, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है कि जो बच्चे उसके लिए पढ़ रहे हैं उनकी भी साथ में प्रैक्टिस हो रही है, कोई डाउट है तो उसके डाउट सेशंस अलग से लग जाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात हो रही है। देन वेल अभी हम सब स्टूडेंट्स हैं एंड कभी कभी हो जाता है कि पढ़ाई का बहुत लोड आ रहा है, बहुत पढ़ाई करते जा रहे हैं, या फिर हमें लग रहा है कि नहीं कर पा रहे या ऐसे कुछ डाउट्स हो जाते, तो अभी तो हमारे मंडे मीटिंग्स होती है। मंडे मीटिंग्स में वो क्या करेंगे कि जो भी हमारे कॉमन डाउट्स है वो सब कवर कराएंगे, या फिर किसी को स्ट्रेस आ रहा है तो उससे कैसे टैकल किया जाए, अपनी रीडिंग हैबिट्स को कैसे बढ़ाया जाए, तो वो सब चीजें बातें उनमें बताएंगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनसे भी बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट मिलता है कि जितने भी हमें चीजें चाहिए वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिए जाते हैं, तो हम वहां से ले सकते हैं। टेस्ट कब है, क्या मार्क्स है, कैसे जा रही है स्टडीज, प्रॉपर एक गाइडेंस मिलते रहता है। सो यही कुछ बात थी जो मुझे एज ऑफ नाउ बीएफसी में रहते रहते अच्छी लगी है। एंड आई होप अगर मैं मेरे हिसाब से अगर बोलूं तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई ये गलत स्टेप होगा डीएफसी में कॉमर्स में आना, बिकॉज मैंने खुद आया हूँ एंड एज ऑफ नाउ मैं मेरी सिस्टर को भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो यही पे आए। सो ये एक अच्छी बात है एंड आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। सो मैं बस यही बोलना चाहता था। वेल थैंक यू डीएफसी ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। नाउ प्रेम सर। यस आयुष, थैंक यू सो मच फॉर योर मतलब शेयरिंग द एक्सपीरियंस दैट यू हैड हियर। ओके अच्छा चलो भाई, तो आई एम श्योर आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए दो चीजें, तो जिन लोगों को भी डाउट्स है या तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो। वी हैव विद अस आनंद काबरा सर, डायरेक्टली आनंद काबरा सर आपके डाउट्स ले लेंगे। और भी अगर आपको आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो या और कोई समस्या है, आप सीधा चैट सेक्शन में वो डाउट्स को मेरे तक भेज दो। मेरा नाम प्रेम लोहिया है, आप उस अकाउंट पे भेज दो एंड आई विल बी रीडिंग आउट योर डाउट्स। और अकॉर्डिंगली अगर मैथ्स के डाउट्स है, विवेक सर, नवीन सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में कुछ पूछना है उसमें, तो संकेत सर है, राहुल सर है, और सीएसीएस में आनंद सर, या उसके अलावा भी आपको पूछना है तो वी ऑल आर देयर विथ यू, राइट। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेरी आ रही थी बिफोर आई ओपन अप द डाउट सेशन कि भाई सर ये सब तो ठीक है, आपने ये सारे कोर्सेज बता दिए, स्टार्ट कब कर रहे हैं हम लोग इसकी तैयारी, और हम लोग पढ़ना कब से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेंथ होके अब लगभग एक महीना हो चुका है। तो बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड योर एंग्जाइटी। कल से ही है ना, कल से ही, कल 4:30 मैंने अभी आप लोगों को सब लोगों को एक मैसेज किया है, राइट। तो कल 4:30 को आप लोग ज्वाइन कर लो एक मीटिंग आईडी पे 10-15 मिनट्स के लिए ही, और वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या प्रोग्राम रहेगा कॉमर्स का, कैसे लेक्चर्स रहेंगे, क्या टाइमिंग्स रहेंगे। तो कल 4:30 के वक्त आप ज्वाइन कर सकते हो उस मीटिंग आईडी पे, जूम पे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मीटिंग एंड होने से पहले एक और बार शेयर कर दूंगा एंड नाउ वी कैन ओपन अप द डाउट सेशन। तो काबरा सर, आनंद सर। जी सर। यस सर। ओके, सो दोज हु आर हैविंग डाउट्स कैन सेंड द डाउट्स, टेक्स्ट में बोल सकते हैं या फिर माइक पे, आइदर वे। Am I audible? Yes, sir. So, sir, एक question आ रहा है, आनंद सर। जी जी। एक question आ रहा है कि CA या CS foundation में अगर हम fail होते हैं तो हम कितनी बार try कर सकते हैं, या फिर कोई limit है क्या, upper limit है क्या maximum number of attempts को? Actually, there is no such limit. जब तक आपका will है, आप कर सकते हो. So, if you are joining here, तो वो काम नहीं करेगा. First go में आप हो जाओगे. Don't worry about that. चलिए. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है वेदांत से। वेदांत पूछ रहा है कि सर कई लोग कहते हैं कि सीए थोड़ा हार्ड एग्जाम है, तो ये सच है क्या, या आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। यस, दिस इज द मोस्ट प्रीमियम एग्जाम्स इन इंडिया। यूपीएससी एंड सीए के एग्जाम्स जो है इंडिया में या वर्ल्ड में टफेस्ट एग्जाम्स माने जाते हैं। सो भैया कुछ पाना है तो टफ को टच करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। टफ लोगों ने बनाया है या थॉट प्रोसेस है, अपन हार्ड वर्क करो तो वो आसान लगना चालू हो जाएगा। ओके, राइट राइट जी। एक और क्वेश्चन आ रहा है सर, कैन वी डू बीबीए विद सीएस? बीबीए कर सकते हैं सीएस का?
यू कैन डू दैट, बट जस्ट एक चेक करना पड़ेगा आप लोगों को कि जो सी एस का आर्टिकलशिप का समय रहेगा, देर इज अ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ड्यूरिंग योर सी एस कोर्स, सी ए कोर्स, इन बोथ द कोर्सेस यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट कि मुझे बी बी ए करना है, परमिट मी टू डू दैट कोर्स. तो आप जब सी एस कर रहे हो तो आपके रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट से पहले परमिशन ले लो. इफ दे ग्रांट यू परमिशन देन यू कैन प्रोसीड. राइट राइट. सर एक और क्वेश्चन आ रहा है. सारे स्टूडेंट्स को आईआईएम में जाने की इच्छा होती है, तो आईआईएम में जाने के लिए इज इट बेटर कि वो 11th 12th साइंस करें और फिर एमबीए का एग्जाम दे, या फिर 11th 12th में कॉमर्स लेके आईपीएमएटी का एग्जाम दे दे? माय सजेशन वुड बी कि कॉमर्स के साथ ही जाओ. साइंस का सिलेबस करके वो कितना यूटिलाइज करने वाले हो आप, वो एक चेक कर लो चीज. व्हाट, सिर्फ मेहनत करने की आदत लगानी है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका एम क्लियर है, टारगेट क्लियर है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ कि जिधर जाना है उधर ही चलो. राइट, परफेक्ट, ओके. सर खुशी इज आस्किंग कैन वी डू सीए एंड सीएस टुगेदर बिकॉज समथिंग इज कॉमन इन द सिलेबस, तो कैन वी डू इट? राइट राइट. देखो ये दोनों कोर्सेज का क्या है, दोनों कोर्सेज आप सर्टन लेवल तक साथ में कर सकते हो. अगेन जब आप सीए के एग्जाम्स पास हो जाओगे तो आपका आर्टिकलशिप का चक्कर आएगा, तो आर्टिकलशिप जब ज्वाइन करोगे तो आपको सीए इंस्टीट्यूट से परमिशन लेना पड़ेगा कि मेरे को सीएस भी करना है. राइट, सो व्हेन यू आर कैरिंग ऑन टू कोर्सेस अलोंग विथ योर सीए प्लस आर्टिकलशिप, तो आपको हर बार परमिशन सीक करना पड़ेगा आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से. इफ दे परमिट यू कैन गो अहेड, या फिर थोड़ा टाइमिंग डिफरेंस लाना पड़ेगा आपको कि पहले कुछ चीजें कवर कर लो देन फिर बाकी की चीजें शेड्यूल करो. राइट जी. सर पारस का क्वेश्चन है कि ही इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अकाउंटिंग, तो उसने सीए चूज करना चाहिए या सीएस चूज करना चाहिए? इफ अकाउंटिंग का इंटरेस्ट है तो भैया बिल्कुल सीए करो, बिल्कुल करो. और थ्योरी का है, जिनका थ्योरी का बहुत बेस अच्छा है, दे कैन गो फॉर सीएस एज वेल. सो जी. अच्छा, विच इज बेटर, लाइक कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि सीए अच्छा है या सीएस अच्छा है, या मार्केट का ट्रेंड कहाँ है, स्कोप कहाँ है? यू विल क्रिएट द स्कोप एक्चुअली, जैसा है वैसा. दोनों का अपना अपना एक जगह है, दोनों का अपना अपना एक रिस्पेक्ट है. सो आपके जहाँ पे डिजायर्स आपके हैं, आपको कौन सा फील्ड में जाना है, तो अकॉर्डिंगली आप चूज करो. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंप्लायंसेस, ऑडिट्स ये सारी काम करते हैं, आपको उस फील्ड में जाना है तो यू गो फॉर सीए. आपको कंपनीज से रिलेटेड कुछ चीजों में जाना है, या शेयर मार्केट में जैसा सेबी के कुछ पैनल्स है, यू विल एक्सप्लोर ऑन गूगल, यू कैन डू दैट कि सीएस को क्या क्या स्कोप है. तो वैसे कुछ फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो गो फॉर सीएस और चूज अकॉर्डिंगली, जो भी है आपका वो चूज करें. करेक्ट, राइट. कैन वी रजिस्टर फॉर फाउंडेशन आफ्टर 12th? आई थिंक यस, आपने बताई. यस यस यस, 10th के बाद कर सकते हो तो 12th के बाद कभी भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपको एग्जाम कब देना है. अगर पहले देना है तो पहले ही रजिस्टर कर लो, सर ने बताया वैसे भी पहले. स्टार्ट अर्ली, दैट विल बी बेटर. ओके, सो आई थिंक अनिकेत आपका आंसर हो जाता है. अच्छा, निशा का एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ने में अगर इंटरेस्ट है तो कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए, अकाउंटिंग इंटरनेशनल फाइनेंस? सी यहाँ पे आप इंडिया के कोर्सेज की बात कर रहे हो या फिर बाहर वाले कोर्सेज की? दैट इज अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. आई थिंक कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आई थिंक शी इज आस्किंग कि जनरली अगर इंटरनेशनल फाइनेंस या अकाउंटिंग पूछ रहे हैं. So, देखो आई वुड लाइक टू से इट प्राउडली, मतलब विद द प्राउड एंड प्राइड आई से कि जो सीए कोर्स है इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द इंडिया. ठीक है, ये जितने भी कंट्रीज में सीए कोर्सेस है उसमें का सबसे टॉप लेवल का कोर्स है. ऑल ओवर द ग्लोब दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टॉपेस्ट एंड टफेस्ट एग्जाम इसका टफ होता है. तो इफ यू वॉन्ट टू स्विच टू एनी अदर कंट्री, यू आर लुकिंग क्रॉस बॉर्डर works, तो आप वहां के जो इंस्टीट्यूट है उनके कुछ एग्जाम्स दे सकते हो. जस्ट लाइक सीएफए का एक क्वेश्चन रेज हुआ था, तो आप ये एग्जाम्स बाद में दे सकते हो. बट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार सीए कोर्स यहां से कर लो एंड यू आर फ्री टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. कहीं पे भी जाना है तो वहां के इंस्टीट्यूट के साथ हमारे एमओयूज हैं, वो एक बार रीड कर लो. जैसा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया देर इज एन एमओयू, और उन एमओयूज में आपको एक या दो पेपर देना है और वहां का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिग्री मिल जाएगा. तो
बाई दिस वे यू विल बी हैविंग इंडिया का सीए का डिग्री एंड वहां का सीए का डिग्री. सो ऐसा एक कॉम्बिनेशन आप प्लान कर सकते हो. राइट. आई होप शी हैज गॉट हर आंसर. ओके यस. उसके अलावा आई थिंक श्रेया जोशी का एक क्वेश्चन है व्हिच इज रिलेटेड टू बैंकिंग. तो राहुल सर आई थिंक राहुल सर वुड बी यस सर यस एबल टू आंसर इट. सर श्रेया का क्वेश्चन है कि सर मुझे बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए तो मैंने 11th 12th में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए. अगर बैंकिंग की आपको ये तो बैंकिंग में मेनली आपको चार सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है. आई थिंक आई एम नॉट विजिबल प्रॉपरली. आपको फोर सब्जेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, देन सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड वन इज लॉजिकल रीजनिंग, द फोर्थ वन इज जीए जनरल अवेयरनेस. तो देखो सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ग्रामर अच्छे से करना होगा. देन इंग्लिश के लिए आपको वोकैबुलरी प्लस ग्रामर, उसके बाद रीडिंग हैबिट आपको अच्छी बनानी पड़ेगी. जैसे डेली न्यूज़पेपर रीड करना इज मोर देन सफिशिएंट. न्यूज़पेपर की दो आपको बेनिफिट बनेंगे. एक तो इंग्लिश आपका अच्छा होगा, दूसरा आपको जीए में मदद मिलेगी. जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर जो भी है उसमें आपको हेल्प मिलेगी. सेकेंड सब्जेक्ट इज लॉजिकल रीजनिंग. तो लॉजिकल रीजनिंग आपको अभी से करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग आप जब एग्जाम दोगे तभी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. लेकिन आप डीएफसी अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आपको 11th में भी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया जाता है, 11th में आपको इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, 11th में आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी आपको पढ़ाया जाता है, और आपको जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन भी 11th से ही आपका हो जाता है. तो अगर डीएफसी ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर डीएफसी ज्वाइन नहीं करते हो तो मैंने इंग्लिश के बारे में बताया आपको. उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज देखने हैं, न्यूज पढ़ने हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जस्ट गो फॉर स्कॉलरशिप. जो बुक्स है आपके 8th स्टैंडर्ड का जो स्कॉलरशिप का बुक है वो एक आप रेफर करो. उसमें जितने टॉपिक्स हैं उतने ही मैक्सिमम टॉपिक्स आपको बैंकिंग में आते हैं. तो 8th स्कॉलरशिप का बुक आपको रेफर करना है, उसका जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको फॉलो करना है. उसके अलावा उसमें एक और डेटा इंटरप्रेशन नाम का एक पार्ट होता है. डेटा इंटरप्रेशन आपने पढ़ा होगा बचपन में. ठीक है. तो उसमें आपको बार चार्ट, पाई चार्ट ऐसे कुछ दिया जाता है. तो उसका आपको अलग से प्रिपरेशन अभी से करने की जरूरत नहीं है. मैंने दो सब्जेक्ट के बारे में आपको बोला है कि एक लॉजिकल रीजनिंग का प्रिपरेशन आपको अभी से करने की जरूरत नहीं है, दूसरा डीआई का प्रिपरेशन आपको अभी से करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट टू करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश ही आपको करना है. और उसके अलावा मैंने बोला है कि 8th स्टैंडर्ड में जो स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है उसमें जितना सिलेबस है उतना अच्छे से कर लो. यस दैट्स इट. थैंक यू राहुल सर. सर आनंद सर आई थिंक यस सर टुवर्ड यू. सीए की प्रिपरेशन और एमबीए की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली की जा सकती है. सी इफ द प्राइमरी इज एम इज टू परस्यू सीए तो उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है. यू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग जस्ट लाइक अकाउंटिंग, लॉज, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स. तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती है. मैनेजमेंट का भी काफ़ी सारा सिलेबस अभी सीए कोर्स में इंक्लूड किया गया है. तो एमबीए का प्रिपरेशन अगर करना है तो इट विल नॉट बी दैट एफर्ट फुल. मतलब उतना एफर्ट्स वहाँ पे पुट करने का जरूरत नहीं गिरता इफ़ यू स्टार्ट विथ सीए. वो ईजी हो जाता है. जी tell us about the registration process for CA. I think sir आपने starting में बताई दिया था. Registration process के लिए एक चीज करेंगे हम लोग. We will share a video with you, all of you, those who want to register for the CA course as well as CS course. It will not be possible for us to demonstrate here,
इन दिस सेशन, उसका अलग से 10 मिनट का एक वीडियो हम शेयर कर देते हैं अलग से, दैट विल बी फार बेटर. चलेगा. So I think most of the questions, all our questions have been answered. Last one question, I think. Ji. Can we get job from the campus in CS? Yes, you can get. Okay. Provided the profile is clean and neat. Very clever profile is there. Companies prefer those kind of profiles. So make sure if you are willing to go from the campus, तो आपका जो करियर पाथ है या करियर चार्ट जो बोलोगे या जो भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत क्लीन नीट एंड रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी. ओके ओके यस. सो एनी अदर डाउट्स, वी आर ओपन फॉर अबाउट अ कपल ऑफ मिनट्स. और किसी के मन में कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो. राइट. अच्छा सर, एक अनुपमा का क्वेश्चन था रिगार्डिंग एक्चुअरियल साइंस. यस यस यस. अनुपमा का क्वेश्चन था रिगार्डिंग एक्चुअरियल साइंस. यस आनंद सर. यस हेलो हेलो हेलो. हाँ आनंद सर, रिगार्डिंग व्हाट इज उसका एक्चुअरियल साइंस के बारे में पूछना था सर. एक्चुअरियल साइंस. ऑलराइट ऑलराइट. This is again one of the premier stream, you can say. India mein shayad actuaries less than 300 hai. Matlab iska syllabus ya exams goes into 8 levels. Jo maths ke expert hai aur 11th 12th mein jinka maths raha hai, aise logo ko is stream mein jaate aata hai. Ye requirement hai pehle to syllabus ka and primary prerequisite bol sakte ho usko. 11th 12th science plus maths या commerce plus maths. Maths is compulsory and everything runs around maths only. So काफी सारा मतलब एक बहुत high level का exams है. और usually actuaries जो है ये insurance companies को advisory services provide करते हैं and this is one of the most valuable portfolio अगर if you go for it. काफी valuable चीज रहेगा, ये एक चीज है इसके बारे में. और कुछ डाउट्स है आपके साइड से तो आप पूछिए. आई विल आंसर दैट, आई विल एक्सप्लोर द आंसर्स. व्हिच कॉलेज आर बेस्ट इन सीएस फॉर कैंपस प्लेसमेंट? ओके हाँ, गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन. अ कॉमन डाउट इज देयर कि कौन सा कॉलेज होता है फॉर सीएसीएस. प्लीज नोट कि सीएसीएस का एडमिशन किसी भी कॉलेज से नहीं होता. इनके दो इंस्टीट्यूट है अपने अपने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज. इनके दोनों के एचओ जो है दिल्ली में है. यू हैव टू रजिस्टर विद देयर बोर्ड ऑफ स्टडीज. दिस इज कंप्लीटली अ डिस्टेंस कोर्स, लर्निंग डिस्टेंस कोर्स. ठीक है, कंप्लीटली कम्युनिकेशन बेस्ड कोर्स है. इसका कोई कॉलेज वगैरह कुछ नहीं होता. जस्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं ये प्राइवेट ट्यूशंस की बात हो रही है. Everything is being looked after by the institutes. आपका जो भी curriculum है वो सारा ICAI and ICSI के साथ होता है. इनके offices आपको यहाँ पर मिल जाएंगे औरंगाबाद में, and then फिर जहाँ जहाँ इन्होंने रखे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये. Yes. Okay. Okay. I think Anuj has a question. हाँ Anuj. Hello. Yes Anuj. Sir, actuarial science के बारे में कुछ पूछना था. Yes. सर जैसे भी इन्होंने बताया कि बहुत वैल्यूएबल है और बहुत हाईली प्रोफाइल्ड माना जाता है, तो ये सीए के स्टडीज पे भी इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या ये उससे भी टफ है? एक्चुअली सर देखा जाए तो टफ इन द सेंस क्या है, जिसका मैथ में बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग चलता है या मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बंदा है तो वो इस चीज को परस्यू करे. इट कंप्लीटली रन्स अराउंड मैथ्स. जो भी इंजीनियरिंग के मैथ्स है उसके भी बियॉन्ड जाके ये सारे काम होते हैं. M1, M2, M3, M4 जो भी सुने हैं हम लोगों ने अभी तक, उसके बियॉन्ड कुछ और चीजें हैं मैथ्स में जो इवन मैंने भी एक्सप्लोर नहीं की है. मैंने सिर्फ सुना है दो या तीन लोगों के डिस्कशन में, उन्होंने मुझे बताया था. तो इट इज लाइक दैट, मैथ्स के अराउंड ये चीज भागता है सर एंड एक पर्टिकुलर वे पे जाता है. सीए का कोर्स आपको डायनामिक ग्रोथ देता है और ये एक्चुअरियल साइंस का ग्रोथ जो देता है वो बहुत हाई लेवल पे है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है, सिलेबस भी और ग्रोथ भी. सर आपने समझाया,
बट फिर भी मैं फिर से रिपीट करूंगा, मुझे अगर कंपेयर करना है कि सीए की पढ़ाई और एक्चुअल की पढ़ाई, तो दोनों में अगर जैसे हम लोग मानेंगे सीए की पढ़ाई 100% है, तो एक्चुअल की 200 है, 300 है, 150 है। सर सेम वे पे है सर, मैंने कॉमन कॉमन एंट्रेंस जो एक्चुअरीज की एंट्रेंस को क्रैक की हुई है, मैंने एंट्रेंस दी हुई है, मैंने पास भी हुआ हूं, तो उसमें सर क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का जो है वो सिलेबस ज्यादा होता है, स्टैटिस्टिक्स के जो टॉपिक है जो कॉमर्स में भी है उसमें और ज्यादा जो है लेवल होती है, इंटीग्रेशन वगैरह का जो लेवल जो है ट्रिग्नोमेट्री बेस भी होता है, जैसे अगर आप कॉमर्स का मैथ्स देखो तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है, उसमें सिर्फ जो है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का एक बिट्स होता है, बच्चे जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर ध्यान में आता है उन्हें, तो अल्जेब्रिक होता है, इसमें ट्रिगो भी आता है, तो इसका जो है लेवल अगर आप देखो तो आप सब्जेक्ट वाइज अगर आप बात करो तो जैसे कॉमर्स के सब्जेक्ट से वैसे इसकी भी पढ़ाई है, बस ये सब्जेक्ट मैथ्स से रिलेटेड बस इतना ही फर्क है, मतलब अगर आप मुझे बोलोगे कि कॉमर्स के सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ का लेवल और एक्चुअली साइंस के सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ का लेवल दोनों भी मैच होते हैं सर, मतलब कोई भी अबव पार नहीं है, अपने अपने फील्ड्स है, जैसे अगर आप सीए करते हो तो आप अकाउंट्स पे काम कर रहे हो, आप ऑडिट्स कर रहे हो, और एक्चुअरियल साइंस के जो लोग हैं वो यूजुअली पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, जैसे भाई अपना जीडीपी का जो रनिंग है, अगर आरबीआई की कुछ पॉलिसी बनाना है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर की कुछ पॉलिसीज अगर बनाना है, तो दीज पीपल आर पॉलिसी मेकर्स, ये जो है फिनांस पे रिसर्च करने वाला काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आप कोई भी रिसर्च वगैरह पे काम करेगा तो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली उसका जो पोस्टिंग रहेगा वो हायर साइड रहेगा, और सीए में भी जो है अगर लोग सीएफए करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं, तो उनकी भी लेवल एक्चुअरियल साइंस जैसी ही हो जाती है, तो दोनों भी सेम वे पे चलते हैं सिलेबस वाइज कंटेंट वाइज, बस इतना फर्क है कि सीए के लोग जो है भाई वो अपना उनका जो है टैक्स अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट उनको रहेंगे, उनको जो है मैथ्स इतना नहीं रहेगा, उनको टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट रहेंगे, इनको टैक्सेशन के जगह पे जो है स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट होते हैं, जो स्टैट की स्टडी होती है, जो डेटा पे वर्क करके जो है आगे बढ़ते हैं, तो वो सब होता है इसमें, तो ऐसा अलग से ऐसा मतलब हाई फाई कुछ नहीं है, दोनों भी सब्जेक्ट्स जो है अगर आप सीए के भी करो या एक्चुअरियल साइंसेस के भी करो लेवल सेम है, बस पढ़ाई अलग अलग है। थैंक यू सर। यस थैंक यू। ओके अच्छा ये एक मतलब क्लासेस या अपने करिकुलम को लेके क्वेश्चन है कि व्हेन आर वी स्टार्टिंग, मैं वापस रिपीट करता हूँ इन केस आप लोग प्रॉपरली सुन नहीं पाए हो, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, टुमारो 4:30 मैं आप लोगों को चैट सेक्शन में एक मीटिंग आईडी पासवर्ड भी दे देता हूँ, तो कल 4:30 हम लोग मिलेंगे, एक 10 to 15 minutes में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका शेड्यूल कैसा होने वाला है फ्रॉम वेनेसडे, कोर कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम वेनेसडे, आप लोग का आपका शेड्यूल आपका टाइम टेबल बता दिया जाएगा, तो कल आप इस मीटिंग आईडी और पासवर्ड से ज्वाइन कर सकते हो एट 4:30 PM राइट। ओके चलो आई थिंक ऑल योर क्वेरीज मस्ट हैव बीन क्लियर, बट स्टिल इन एनी केस अगर आपकी कुछ क्वेरीज पेंडिंग हो, अगर आप आनंद सर से, विवेक सर से, नवीन सर से, राहुल सर से या किसी वे से भी है ना इन जनरल कोई और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आपको सिंपल एक ही चीज करनी है, जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर एक SMS कर दीजिए एंड देन वी विल गेट बैक टू यू राइट। ओके सो आई या थैंक यू सो मच, वी एंजॉयड द